हम जा रहे हैं लाइन कप देखने, और ये देखे वो कितना बड़ा शेर निकालना है। क्या है, लाइन कप आ गया। दानियाल उस साइड पे जाएगा और इसको डॉग पकड़ा देगा और ये लेकर घर चला। अभी मेरा भाई चाह रहा है कि वो दूसरा बच्चा भी पकड़ ले। कैसे हैं आप लोग? अभी रेडी शेडी होकर व्लॉग स्टार्ट कर दिए वो इस वजह से क्योंकि अभी हम जा रहे हैं लाइन कप देखने। तो यार अभी हसन भी रेडी हो रहा है, जैसे वो रेडी होगा तो हम चले जाएंगे लाइन कप लेने। A few moments later. और अभी हसन और मैं उनकी गली में खड़े होकर उनका वेट कर रहे हैं। A few inches later. अभी भाई आए हैं, वो वीडियो में आना नहीं चाह रहे। वो कह रहे हैं आप ऊपर आ जाए, मेरी छत पे है, मैं आपको अपना लाइन कप दिखाता हूँ। वो देखिए हसन उनके घर के बाहर खड़ा हुआ है। तो अभी हम ऊपर चलते हैं और अपना लाइन कप देखते हैं। अभी हम दोनों उनकी छत पर आ गए और वो ये देखे वो कितना बड़ा शेर निकाल रहे हैं। अगर अभी इसके पास नहीं जाते क्योंकि ये काफ़ी बड़ा शेर है तो इनका भरोसा नहीं करते। भाई अंदर गए हैं और वो वाला लाइन कप लेके आ रहे हैं जो हमने पसंद किया हुआ है। देखे आए लाइन कप आ गए यार, ये कितना प्यारा, लेकिन ये थोड़ा सा कमजोर है। और ये है तो बहुत प्यारा लेकिन यार मुझे थोड़ा थोड़ा कमजोर लग रहा। देखे यार आपको भी लग रहा होगा क्योंकि मैं वीडियोस में देखे काफी प्यारे प्यारे होते हैं। यार अभी मैंने भाई से पूछा है, मुझे ये वो नहीं लग रहा जो मैंने पसंद किया था। वो कह रहे हैं जो आप पसंद करके गए थे वो सेल हो चुका है। ये जो लाइन है ये फीमेल है, इस वजह से कमजोर है। और यार मुझे ये पसंद भी नहीं आई है। बस वैसे तो है बहुत प्यारी, नो डाउट है बहुत प्यारी, लेकिन यार ये फीमेल है। लेकिन अभी हम इसे छोड़ के घर जा रहे हैं क्योंकि यार हमारे साथ स्कैम हो गया। हमने भाई को कहा था कि हमारे लिए अच्छा वाला शेर पसंद करें, जो हमने पसंद किया था वो तो इन्होंने सेल कर दिया। अभी हम चलते हैं यार घर। उनके डॉग्स देखे वो सारे मुझे भूख रहे हैं। तो यार अभी मैं तो वैसे तो मैं घर जा रहा हूँ, तो मेरी इन पर नजर पड़ गई थी तो मैंने कहा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलो यार अभी घर चलो। 2000 years later. तो फाइनली यार हम वापस आ गए हैं घर। और आप लोगों ने टेंशन ही लेनी है, जो लाइन कप हम छोड़ के आए हैं वो इस वजह से छोड़ के आए हैं क्योंकि यार फीमेल है, फीमेल का इतना रोब नहीं होता, होता तो मेल का ही रोब है। तो इस वजह से हम छोड़ा है। बाकी हम उन भाई को कह के आ गए हैं कि कोई भी लाइन कप अगर मेल अच्छा है जैसा उन्होंने हमें दिखाया था, जैसा हमें पसंद आया था, आप हमें वैसा ढूंढ के बता दें। भाई कह रहे हैं हफ्ते में एक दो दिन, चार पाँच दिन, जब भी मिला मैं आपको मैसेज कर दूँगा। तो यार बाकी अभी हम ये दीवार तोड़ने लगे हैं क्योंकि अभी वो जो सफाई वाले हैं वो आने लगे हैं। तो पहले हम ये सारा वगैरह गंद डाल देते हैं ताकि फिर बाद में गंद ना डले। तो अभी हसन नीचे से हथौड़ी ला रहे, तो फिर हम ये वाली दीवार तोड़ते हैं। और बाकी यार कल की वीडियो देख के काफ़ी लोग कह रहे थे कि आपसे ये दीवार नहीं टूटी। तो यार देखा जाए तो ये काफ़ी मजबूत दीवार है, मैंने अपनी फुल कोशिश की थी उस वजह से ये टूट, फिर भी ये दीवार नहीं टूटी। तो अभी हथौड़ी से तोड़ेंगे, कोशिश करते हैं तोड़ने की, देखते हैं टूटती है कि नहीं। A few inches later. अभी हसन आ गया, अभी हसन से पूछते हैं हसन हथौड़ी कहाँ? हथौड़ी नहीं मिली, क्या बात है? तो यार फिर एक इसको तोड़ना कैसे? इसको ईंट से ही तोड़ते। क्या मतलब ईंट से तोड़ते? डायरेक्ट तोड़ते? नहीं पागल, डायरेक्ट नहीं तोड़ना का, इसको डायरेक्ट तोड़ेंगे तो लेंटर भी टूट सकता है। यार वैसे कह तो सही रहा है, तो हम इसे ईंट से तोड़ते। सन ईंट का कुछ कह रहा सन, ये वाली ईंट तोड़ के दिखा, ईंट से जैसे तू कह रहा है, जैसे भी कह रहा है वैसे तोड़ के दिखा। हाँ यार कह तो सही रहा है, ऐसे एक करके सारी तोड़ दे क्योंकि वो सफाई वाले भी आने ही वाले हैं, तो जल्दी जल्दी तोड़ दे। तो यार अभी हम बड़ी दीवार की तरफ आ गए हैं, अब देखते हैं सन क्या करता है। और अभी हसन से तो नहीं टूट रही थी तो मैंने अपने सबसे बड़े भाई को बुलवा दी तोड़ने के लिए। तो देखते हैं अभी यार। तो गाइस ऐसे कह रहे वहां पे खड़ा हो जाता हूँ।
फाइनली यार ये पूरी दीवार टूट गई। अभी इस तरह के उठवा के उधर रखेगा, सारी ईंटें यहाँ पे लगा देगा, तो फिर सफाई वाले आएंगे और ये पूरी छत साफ कर देंगे। तो यार अभी हम पार्क में आए, मुझे वहाँ पे दो कुत्ते नजर आए हैं, बच्चे भी हैं, देखिए उनके बच्चे भी हैं, छोटे छोटे बच्चे, देखिए कितने प्यारे यार, साथ छोटे छोटे बच्चे भी जा रहे हैं। यार वो माँ इनके आगे चली गई, बच्चा वो रहा, एक बच्चा पीछे ही है। दिल तो चाह रहा है आप पकड़ लूँ, लेकिन बेचारों की माँ है ना साथ, इस वजह से मैं पकड़ नहीं सकता। तो गाइस अभी दरिया ले उठा के आया, देखिए कितना प्यारा, ले कितने ले हम करो, आ जा वो अपने माँ बच्चों को छोड़ के चली गई है। देर रुक जा यार, ये देखिए कितना प्यारा यार, जर्मन शेफर्ड टाइप लग रहा है, जर्मन शेफर्ड लग रहा है यार कैसे, लेकिन है नहीं है वाला, पकड़ ले शुरू से, आ जा खुद तो खा पी रहे होंगे वैसे, मुंह से जितने इनकी एज के हिसाब से लग रहे हैं। यार देखो यार ये कितना प्यारा, अभी उसका एक और बच्चा आ गया, तो यार देखो अभी मेरे भाई बड़े भाई ने उठा लिया, देखो कितना प्यारा है, कितना प्यारा है, इसको जाने ना दे रहा, इसका कलर बहुत प्यारा है, तो यार ये दानियाल भी घर लेके जा रहा है। तो अभी मैं जरा थंबनेल के लिए इधर पार्क में पिक्चर लेने आया था, मुझे क्या पता यार यहाँ से हमें ये डॉग मिल जाएगा, लेकिन अभी हम इसे कुछ ना कुछ तरीके से ले जाएंगे, ताकि अभी इधर पूरे पार्क में डॉग्स ही डॉग्स हैं, वो हमें काट भी सकते हैं, तो हमें बहुत एहतियात से यहाँ पार्क से निकलना पड़ेगा इसको ले जाकर। इसकी जो माँ है वो पार्क से बाहर चली गई है, अभी आप लोगों को मैंने दिखाया भी था, वो पार्क से निकल गई है बाहर। तो यार दानियाल यहाँ से पार्क के यहाँ से निकल रहा है, भाई ने मेरा डॉग उठाया हुआ है, तो अभी दानियाल उस साइड पे जाएगा और इसको डॉग पकड़ा देंगे और ये लेकर घर चला जाएगा, और मैं और भाई थंबनेल वगैरह की पिक्चर्स वगैरह लेकर तो घर चले जाएंगे इसके पास। तो यार अभी ये भाई पकड़ाने लगा दानियाल को, दानियाल आप लेके घर जाओ, हम आ जाते हैं ठीक है, ओके। उनकी माँ ना बच्चों को छोड़ के चली गई है, तो अभी मेरा भाई चाह रहा है कि वो दूसरा बच्चा भी पकड़ ले, तो वो देखें वो वाला पप्पी है एक दूसरा, तो भाई से पकड़ना चाह रहा है क्योंकि इसकी माँ जो है अभी इधर नहीं है। तो ये देखें अभी अंदर चला गया, इसकी माँ पता नहीं कहाँ चली गई है, तो अभी भाई का भी नहीं पता यार कहाँ जा रहा है, मुझे तो कह रहा कि मैं ये पकड़ने लगा, तो अब आगे जाइए यार, मुझे लग रहा है इससे दूसरा वाला पप्पी ज़्यादा पसंद आया, और ये दूसरा वाला, और ये भी आ गए यार, ये कितना प्यारे हैं यार, यार ये वाला भी ले जाए यार, बहुत कांप रहे सर्दी से, एक वो है एक वो है, इसकी टेल भी रहती हुई है, पिटबुल है यार, ये भी बहुत प्यारे हैं, वो देखें आपस में लड़ रहे हैं, ये वाला ले जाते हैं यार, दिल तो इसी का कह रहा है, चलो उठा लो ये वाला। तो यार भी मेरे भाई ने कहा इन दोनों में से कोई भी लेके चले जाते, तो ये वाला लेके जाएंगे, वो वाला ये ग्रे वाला जिसकी टेल कटी हुई है, जर्मन शेफर्ड नहीं नहीं वो खेल रहा है, चलो आप पकड़ो, डर क्यों रहे हो, आप पकड़ो ना, मैं क्या पकड़ू, इसको ना लेके चले जाए, ये तो मोटा भी है ज्यादा, पागल इसका भी नहीं लग रहा, उसकी आंखों में मासूमियत देख, कितना मासूम है यार, पागल अब किस किस को लेके जाएगी फिर, हैं वो कमजोर है, इनको तो माँ भी पाल लेगी, उसे नहीं पालेगी क्योंकि वो कमजोर है। तो इसको छोड़ो, डर रहा है, हैंडशेक खेलना चाह रहा लेकिन डर रहा है, हैंडशेक डरता क्यों है भाई, आगे जाना, तू डर क्यों रहा है, बच्चे है वो छोटा सा, वो डर रहा है, मैं तो नहीं डर रहा यार, वो जिसकी टेल नहीं है उसी को पकड़ लो, ऐसे ही अपनी माँ के पास जाए तो फिर मामला भी खराब हो जाएगा, इनकी माँ आ रही है, माँ निकल गई है, माँ चली गई बच्चों को छोड़ के, क्या बात है, क्या बात, पकड़ ले यार, पकड़ ले तो यार ये दूसरा पप्पी भी हमने पकड़ लिया, हमारा पेयर कंप्लीट हो गया, दो जर्मन शेफर्ड पप्पीज हमें पार्क से मिले हैं, तो इनके भी कान भी खड़े होना शुरू हो जाएंगे एक दो दिन में। तो
चार लेके चलते हैं, जर्मन शेफर्ड है या फिर पिटबुल है, हम लेके घर चलते हैं। तो यार ये दानियाल ना वो वाले डॉगी को छोड़ के आ गया, अभी इस वाले डॉगी को लेके जा रहे हैं घर। दानियाल भी इसी चक्कर से आया था कि हम दूसरा डॉगी भी पकड़ लें और पप्पी पकड़ लें। डॉग तो नहीं है, डॉग तो काफ़ी बड़ा था, ये पप्पी है, पप्पी भी पकड़ लें। तो अभी दानियाल दोबारा ऊपर चढ़ रहा है और अभी हम मैं भी चढ़ूँगा, मेरा भाई भी ऊपर चढ़ेगा। यहीं से निकलना हमने, और कोई जगह नहीं है क्योंकि वहाँ पे उस साइड पे बहुत ज़्यादा डॉग्स है, उस साइड से नहीं हम जा सकते। तो अब यहीं से जाना हमने। कैमरा पकड़ा, मैं जाता हूँ। फाइनली यार मैं भी ऊपर आ गया हूँ, अब मुझे नीचे उतरना है। तो यार मैं तो बाहर आ गया हूँ, अब नौशेर आ रहा है बाहर। बाकी इस डॉग का आपको कल के व्लॉग में पता चल जाएगा कि क्या हुआ। तो बाकी यार उम्मीद करता हूँ यार आपको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। अभी के लिए ला दीजिए, अल्लाह हाफिज़।